गवर्नमेंट ले जाए कल पे। अच्छा मॉडल एक्सपेंशन, मॉडल एक्सपेंशन के बाद में कर ओके ज्यादा मिस्टेक बात तो ध्यान रखना। इसके ऊपर से कौन सा जो बनी है ना एफएक्स इक्वल्स टू इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स। पहले वाला इसका डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग और जो तुम लोग लिख देते हैं एफएक्स इक्वल्स टू इक्वल का भाई साइड का पड़ेगा एक तरफ सेकंड वैल्यू यूज हो ये एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 है और माइनस एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। ओके दैट मींस हम लोग इस जगह पे 1 का वैल्यू फाइंड करना चाह रहे तो 1 ही होगा बिकॉज़ 1 इज ग्रेटर देन 0 है। मान लो 0 पुट करते हैं कितना आएगा 0 आएगा because ये तो 0 को बराबर ही होगी है ना। अच्छा दूसरा तू पुट कर देंगे तो तू आ जाएगा because two is greater than three लेकिन minus two पुट करेंगे तो आपका minus और minus two that will also because इस केस में x is lesser than zero। okay lesser than zero की क्या होगा minus x तो मैंने बात की। दूसरा जब तू वो ग्राफ बनाया तो डोमेन होता है रियल नंबर और रेंज हो गया माइनस इनफिनिटी टू जीरो।
ग्राफिकली भी देखो इस तरह से वो जीरो सेमेस्टर मतलब जीरो जीरो भी हो सकता है और एक जीरो सेमेस्टर इधर से इधर से जाते हैं क्या बोलते हैं माइनस के लिए उसको ऑलवेज ओपन ब्रैकेट था ठीक है। इसके बाद देख नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ठीक है। सेकंड वाला ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है हमको पता भी पा है f(x) = अंडर रूट 9 - x2 इससे क्या पता चल रहा है f(x) का पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा तो बस अदरवाइज यहां पे क्या लिख देता हूं माइनस प्लस लिख देता हूं लेकिन यहां पे क्या लिखा है कुछ नहीं लिखा वो तो प्लस f(x) का लू नेगेटिव नहीं तो x का लू क्या होगा चेक रूट के अंदर कोई चीज होती है ऑलवेज गेट आउट इक्वल टू 0 ये बात क्लियर है तो 9 माइनस x स्क्वायर मैं कैसे लिखता हूं fx टू बी डिफाइंड व्हेन 9 माइनस x स्क्वायर इज गेट आउट इक्वल टू 0 रूट के अंदर गेट आउट ऑफ इक्वल टू 0 होगा तो अभी एफ एक्स डिफाइंड होगा। अभी इसका तो देखो पहले ध्यान रखना इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 गेट आउट इक्वल टू 0 माइनस को एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मतलब एक्स आउट इक्वल टू 0 अंदर करो जैसा हो गया माइनस 7 7 is greater than sin 10 होता है तो जो मतलब तुम्हारे greater equal का sin भी change होता है। Understood? अब ऐसे क्यों लिखा? देखो हम लोग का जब इसका zeros निकालते हैं हम लोग always क्या लिखते हैं x minus half का x minus हर एक रूप ये बात ठीक है रूट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव होती है रूट के अंदर जीरो भी होता है कभी चलेगा लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव हुआ तो क्या बोलते हैं अनरियल नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स ठीक है बेटा। रूट के अंदर जो लिखा हुआ है ऑलवेज पॉजिटिव होगा नहीं तो जीरो उसको कैसे लिखते हैं ग्रेटर और इक्वल टू 0 जब तुम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक फार्मूला में बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा कभी पॉजिटिव ये बात क्लियर हो माइनस कॉमन लिया बिकॉज कोई भी हम लोग को फैक्टर करेंगे जीरोस निकालेंगे तो कैसे लिखते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इस तरीके से लिखते हैं तो इसके मतलब क्या हुआ कि हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। दूसरा पॉइंट बताया माइनस सेवन इज लेसर देन जीरो तो सेवन इज ग्रेटर देन ठीक है तो अभी एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लेसर देन जीरो तो x माइनस 3 और x प्लस 3 लेस और इक्वल टू 0 ये बात क्लियर हो तभी दो वैल्यूज हैं यस तो अभी इसका एक्सट्रीम वैल्यू यहां से क्या आएगा 3 और यहां पे कितना आएगा माइनस 3 एक्सट्रीम वैल्यू था है माइनस तो नंबर लाइन को डिवाइड कर लेंगे ये वाला माइनस 3 और ये वाला 3 तो कितना पार्ट हुआ यहाँ पे तीन रीजन में इधर है इधर है इधर तीन रीजन में आई मतलब कि इससे क्या मतलब थ्री से ग्रेटर कोई वैल्यूज देते हैं थ्री से ग्रेटर कोई वैल्यूज ये वाला फोर लिया फोर लिया तो ये वाला कितना होगी वन होगा ये वाला पॉजिटिव होगा ये वाला भी पॉजिटिव होगा तो 3 से कोई भी गेटर वैल्यूज लेंगे तो हम लोग का इसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी इस पूरे का वैल्यू मान लो 3 और माइनस 3 के बीच में कोई वैल्यूज दिया सपोज एक वैल्यू को लो 1 1 लिया तो ये वाला क्या होगा नेगेटिव और ये वाला होगा पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके तो होगा नेगेटिव तो इस लिए हमें क्या होगा नेगेटिव वैल्यू आएगा और लेसर देन माइनस 3 तो माइनस 6 देते हैं
और यहां पे भी क्या होगा माइनस 3 एनी नेगेटिव है दोनों इनटू कर लेता हूं पॉजिटिव इससे का भी क्या होगा पॉजिटिव और हमको चाहिए कौन सा नेगेटिव वैल्यू तो x बिलोंग्स टू नेटर इक्वल्स टू माइनस 3 लेस और इक्वल टू ठीक है तो डोमेन क्या होगा डोमेन बिलोंग्स टू माइनस 3 टू डोमेन बिलोंग्स टू माइनस 3 टू तो पहले क्या देखो आसान तरीका क्या होते ये वाला वैल्यूज फाइंड करो जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उसको लिख दो राइट वाले को पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव इधर वाला पॉजिटिव लिख दो अभी चाहिए कौन सा लेस वाला इक्वल टू 0 दैट मींस ये वाला इक्वल होगा तो एक्स वाला किसके लिए होंगे माइनस 3 और 3 तो भी होगा और 0 कब जब आएंगे जब x का माइनस 3 हो जब तो प्लस 3 तब भी आएगा तो माइनस 3 एंड प्लस 3 दोनों इनपुट है नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा किसका y के वैल्यू x का वैल्यू फाइंड होगा y के वैल्यू चेक करो कैसे फाइंड करो x का वैल्यू फाइंड होगा ना अच्छा देख y के वैल्यूज के लिए पहले इक्वेशन से ऑलवेज क्या होता है कि देख कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक x होता है एक y होती है y को यहां पे क्या लिखते हैं fx ओके fx का नीचे क्या लिखा हुआ है उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड ये कितना हुआ 9 - x2 क्लियर उसके बाद x2 को इधर ले जाओ x2 = 9 - y2 x इक्वल्स टू अंडर रूट 9 - y2 ओके अंडरस्टूड अब इसको डिवाइड करने के लिए 9 - y2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो y2 - 9 लेस और इक्वल टू 0 पहले लिख दिया ठीक है अब y माइनस 3 y प्लस 3 लेस और इक्वल टू 0 फिर इसका नाम बताइए प्लॉट करोगे ये तीन दो एक्सट्रीम वैल्यूज हुआ इसका 3 इसका माइनस 3 अब इसमें लिखा माइनस 3 इसमें लिखा 3 ये क्या प्लस माइनस प्लस पहले लिखते हैं पहले से हम बताएंगे इसे सही बिकॉज 3 से ग्रेटर कोई वैल्यूज पुट करो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव दोनों इंटू करके क्या होगा पॉजिटिव ही होगा और 3 से कम वैल्यूज पुट करो माइनस 3 3 के बीच में ये वाला क्या होगा नेगेटिव और ये वाला क्या होगा पॉजिटिव ओके जैसे मान लो हमने यहां पे 2 पुट कर दिया तो 2 पुट करने कितना 5 होगा और ये कितना -1 तो उस केस में क्या वाला नेगेटिव हुआ y की वैल्यू हुई ग्रेटर और इक्वल टू -3 लेस और इक्वल टू 0 बट ये जाएगा तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा गिवन जो क्वेश्चन था fx इक्वल टू अंडर रूट 9 - x2 therefore fx is greater or equals to 0 ठीक है that means y क्या होगा greater or equals to 0 इधर से क्या रहा है माइनस 3 से बड़ा 3 से लेस और यहां पे क्या रहा है greater or equals to 0 दोनों को कंबाइन करो therefore y is greater or equal to 0 less or equal to 3 therefore range is 0 to ठीक है पहले ही अभी बोला देंगे भाई के भाई उसके बाद तुमको यहां से कंपेयर करना पड़ेगा ओरिजिनल क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन में fx का वैल्यू क्या दिया था पॉजिटिव था ओके नहीं तो x का वैल्यू हम लोग यहां पे पुट कर देंगे 3 तो क्या होगा fx का वैल्यू 0 होगा fx का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज़ यहां पे प्लस माइनस नहीं था ओनली क्या था प्लस ओके यहां पे y की वैल्यू कितना है -3 से ग्रेटर 3 से लेस ओके दैट मींस y का टोटल वैल्यू क्या होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 3 तो डोमेन हो गया तुम्हारा -3 से 3
थ्री और थ्री इंक्लूडेड, और रेंज हो गया कितना, जीरो टू थ्री, जीरो और थ्री इंक्लूडेड। ओके अंडरस्टूड, अभी टोटल कर लो। ठीक है, ये इनइक्वालिटीज का अभी इसका प्रैक्टिस करा देता हूँ, उसके बाद हो जाएगा। बेटा इस क्वेश्चन में मिसेलेनियस का जो फोर्थ है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। एफ एक्स टू बी डिफाइंड डिपेंडेंस रियल होगा व्हेन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। देयरफॉर डोमेन belongs to greater or equals to 1, 1 to n, open bracket, और हम लोग को दिया है f(x) equals to under root x minus 1, f(x) का वैल्यू क्या दिया होगा, either 0 होगा नहीं तो positive, f(x) to be either 0 or positive n, ठीक है। जब x का वैल्यू 1 होगी तब वो 0 होगा, और 1 चूंकि और कुछ नहीं होगा तो f(x) का वैल्यू जब पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो f(x) will be either 0 or positive real number, f(x) क्या होगा, आइदर जीरो होगा नहीं तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। सपोज एक्स की जगह पर वन फुट जाते जीरो हो गया, वन छोड़ कर और कुछ फुट करेंगे तो पॉजिटिव होगा। रेंज कितना होगा, बिलोंग्स टू जीरो और जीरो टू इनफिनिटी, ये कितना वन टू इनफिनिटी, और रेंज कितना जीरो टू इनफिनिटी। यही वाला क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट अभी और एक्सरसाइज, और एक भी क्वेश्चन देते हैं, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी नहीं मतलब आराम से करो। थोड़ा सा और एक क्वेश्चन है, जैसे डोमेन जैसे फाइंड करते हो तो सीखा रहे ना, क्वेश्चन देने से क्वेश्चन कैसे देखोगे। क्वेश्चन नंबर फाइव करेक्ट हो जाता है।
इंटीजर तो जीरो के बाद वन आता है। ओके नेक्स्ट अभी दूसरा पार्ट इसी से उसको भी निकाल देते हैं इसमें रेंज के लिए कैसे करते थे एक्स ग्रेटर देन हर क्वेश्चन अलग अलग जैसे ट्रिगोनोमेट्री में आइडेंटिटी था ना इसमें जो भी क्वेश्चन है हर क्वेश्चन अलग अलग दिमाग लगे एक्स ग्रेटर देन जीरो क्या फाइंड करना है इसी का प्लस तो थ्री एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं तो बस थ्री एक्स चाहिए ना इसके बाद क्या करेंगे माइनस थ्री एक्स इज लेसर देन जीरो इसके बाद क्या करेंगे दोनों को टू ऐड कर देंगे तो दैट इज सो मान लो एडिंग टू ऑन बोथ साइड कितना टू माइनस थ्री एक्स इक्वल्स टू टू प्लस जीरो तो टू माइनस थ्री एक्स इज लेसर देन टू एफ एक्स इज लेसर देन एफ एक्स क्या हुआ लेसर देन टू हुआ देखो एक्स ग्रेटर देन जीरो है हमें चाहिए इसका एक्स ऑफ ग्रेटर देन जीरो है तो थ्री एक्स भी ग्रेटर देन जीरो सब सब और एक बार देखो क्या सब क्या दिया है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो टू मेरा फाइंड क्या करना है इसका हम तो किसका टू माइनस थ्री एक्स को ओके टू माइनस थ्री एक्स को फाइंड क्या लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 0 तो 2 माइनस 3x किससे बड़ा होगा छोटा होगा तो दोनों को 3 से इनटू करेंगे तब 3x आएगा लेकिन हमको चाहिए माइनस 3x तो हम तरफ माइनस करेंगे ना तो माइनस 3x क्या होगा लेसर देन 0 होगा 5 इज ग्रेटर देन 0 तो माइनस फाइव एक्स इज लेसर देन कोई जगह पे ऐसा होता है फाइव को लिखा बेटर देन जीरो तो माइनस फाइव इज लेसर देन बिकॉज ये तो होगा इसके अकॉर्डिंग तुम्हें करना है थ्री एक्स तक माइनस थ्री एक्स तक अभी दोनों तरफ टू ऐड कर दो इधर पे टू माइनस थ्री एक्स टू ऐड कर दे और यहाँ पे भी जीरो प्लस टू कर दे प्लस और इसको तो डिफिकल्ट लगता है टू प्लस माइनस टू प्लस टू प्लस टू प्लस जीरो कितना होता है मालूम है टू माइनस थ्री एक्स ले सकता है टू प्लस जीरो टू होता है हमें पता है तो देखो एक बार आगे तो एक्स से ही यहाँ पे जाना इसका मतलब है तो एफ एक्स इस लेसर देन टू एफ एक्स इस क्या बात